स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम या पैरामीशियम में संयुग्मन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेशन एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब लैंगिक जनन होता है पैरामीशियम में। इसमें समान जाति के दो प्राणियों के लघु केंद्र की पदार्थ के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संगलन होता है। मतलब सेम स्पीशीज के जो दो मेंबर होते हैं उनका जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, पैरामीशियम कॉडेटम में दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं या दो टाइप के केंद्रक होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं दीर्घ केंद्रक और माइक्रो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं लघु केंद्रक। तो पैरामीशियम कॉडेटम का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो सेम स्पीशीज के जब दो ऑर्गेनिज्म के माइक्रो न्यूक्लियस का जो पदार्थ होगा उनके आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संगलन होता है, जिसे ही हम कॉन्जुगेशन कहते हैं या संयुग्मन कहते हैं। अब संयुग्मन के कारक और परिस्थितियां क्या होती हैं? कि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों में कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होएगी तभी कॉन्जुगेशन होएगा। और कॉन्जुगेशन के लिए लाइट और टेम्परेचर की एक निश्चित परास आवश्यक होती है, मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और लाइट होना चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। और पैरामीशियम कॉडेटम में कॉन्जुगेशन जो है वो मॉर्निंग के प्रथम चरण में प्रारंभ होकर के दोपहर बाद तक होता रहता है। और कॉन्जुगेशन के लिए पोषण की एक निश्चित स्थिति का होना अनिवार्य है। अब इससे मतलब क्या है? अब जैसे हम इसके अलग अलग कारक और परिस्थितियां तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? तो जैसे हमने पहला पढ़ा कि अनुकूल परिस्थिति में कॉन्जुगेशन नहीं होता है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में ही कॉन्जुगेशन होता है। जैसे भोजन की कमी हो या एक विशेष प्रकार के भोज्य जीवाणु की कमी हो, तो ऐसी जातियों में हम देखते हैं कि या कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के होने पर कुछ जातियों में कॉन्जुगेशन का होना पाया गया है। तो पहले तो अपन देख रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कि जब फूड की कमी होती है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो उसके अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन होता है। दूसरा, लाइट और ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट और टेम्परेचर जो है इसकी निश्चित परास आवश्यक होती है। और कॉन्जुगेशन प्रातःकाल के प्रथम चरण से प्रारंभ होकर दोपहर बाद तक होता है। और कॉन्जुगेशन के लिए पोषण की भी एक निश्चित स्थिति होनी चाहिए, इसका मतलब कि भूखा भी नहीं होना चाहिए पैरामीशियम और बहुत ज्यादा खाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन होएगी तभी पैरामीशियम हो पाएगा। एक निश्चित स्थिति होनी चाहिए कि जिसमें ना तो भूखा हो और ना ही ज्यादा खाया हुआ हो। अपरिपक्वता की अवधि के पश्चात पैरामीशियम संयुग्मन करते हैं। अब अपरिपक्वता की अवधि क्या होती है? कि जब पैरामीशियम सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त करने से पहले कई बार वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके एसेक्सुअल जनरेशन उसकी बनती है। तो जब कई बार वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या अलैंगिक जनन करता है तो उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इमैच्योरिटी या फिर अपरिपक्वता की अवधि। तो जब ये टाइम निकल जाता है तो उसके बाद ही पैरामीशियम कॉन्जुगेशन करता है। ठीक है, परस्पर जुड़ते हुए कॉन्जुगेंट आइसोगेमस होते हैं। अब जो कॉन्जुगेंट, जो दो पैरामीशियम आपस में जुड़ेंगे वो कैसे होते हैं? आइसोगेमस होते हैं। उसमें आकारिकी रूप से मेल और फीमेल का लैंगिक भेद नहीं होता है। क्लियर। और यह केवल दो भिन्न भिन्न मेटिंग टाइप के प्राणियों के बीच में होता है, मतलब एक प्योर लाइन या फिर एक ही प्राणी के जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, उनके बीच कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं होता है। यह केवल दो अलग अलग मेटिंग टाइप के प्राणियों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था कि पैरामीशियम के लिए क्या क्या फैक्टर्स होने होते हैं और क्या क्या जो कंडीशंस हैं वो पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन के लिए जरूरी होती हैं। अब हम पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन होता है उस कॉन्जुगेशन का हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पैरामीशियम की अलग अलग स्पीशीज में कॉन्जुगेशन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेंगे पैरामीशियम कॉडेटम का। तो कॉन्जुगेशन जो है वो दो अलग अलग मेटिंग टाइप के जो दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्री कॉन्जुगेंट। देखिए, आपको ये कॉन्जुगेंट ए है, ये कॉन्जुगेंट बी है, तो दोनों अलग अलग मेटिंग टाइप के और इनको क्या बोलते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। ये अपनी वेंट्रल सरफेस पर ओरल ग्रुप के थ्रू यहाँ पर जुड़ जाते हैं। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, देखो पहले जब जुड़े नहीं थे तब तो इनको प्री कॉन्जुगेंट कहते हैं, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं आपस में तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेंट ए है, ये कॉन्जुगेंट बी है, जिनको जुड़ने के बाद कॉन्जुगेंट कहा है, उसके पहले हम इसे प्री कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। तो इनकी जो ओरल स्ट्रक्चर है वो डिसअपेयर हो जाती है और ये जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ से इनकी पेलिकल डिसअपेयर हो जाएगी, एक्टोप्लाज्म इसका यहाँ से हासित हो जाता है
और दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में एक प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है, जी द्रवी सेतु बन जाता है। अब ये दोनों क्या कहलाने लगे, कॉन्जुगेंट कहलाने लग गए। तो सबसे पहले कॉन्जुगेंट का जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये जो दीर्घ केंद्रक है, देखिए इसका और इसका दोनों का क्या है, ये मैक्रो न्यूक्लियस। ये मैक्रो न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है या टूट जाता है। बाद में ये टुकड़े जो होते हैं वो अवशोषित हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हर कॉन्जुगेंट की जो माइक्रो न्यूक्लियस है, ये देखिए आप, ये दोनों क्या है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो थे वो तो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब टूट गया। और ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होती है, ये माइक्रो न्यूक्लियस साइज में ग्रोथ करती है, इसकी साइज में वृद्धि होती है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, इसके माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होता है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में देखिए, पहले ये दो बने, दो से चार बन गए। तो एक डिवाइड होकर के कितने बना रही है, यहाँ पर चार न्यूक्लियस बना रही है, और ये इसी टाइप से ये भी डिवाइड होकर के चार माइक्रो न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि एक माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस हुआ, सॉरी मियोसिस हुआ, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो हर कॉन्जुगेंट में चार हैप्लोइड डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई बन गई। ये देखिए आप, ये क्या है, चार डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई है, जिसमें से तीन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब देखिए आप, ये तीन जो है, इधर देखिए, इधर की तीन और इधर की तीन, ये तीन तीन क्या होगी, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनी चार, इसमें से तीन तो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जबकि शेष बची हुई जो एक डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई होती है, उसमें माइटोसिस होता है। अब देखिए, इधर भी एक बची और इधर भी एक बची, इसकी तीन भी डिसइंटीग्रेट हो गई, इसकी तीन भी डिसइंटीग्रेट हो गई। अब ये वाली जो एक बचती है, इनके अंदर माइटोसिस होगा, तो एक से दो बनेगी इधर भी, और इधर इसके डिवीजन से भी एक से दो बनेगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जो दोनों जो यहाँ पर न्यूक्लिया में डिवीजन हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लिया या गैमेट न्यूक्लिया बनाती, और इसमें से एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये छोटी है और ये बड़ी है, ये छोटी है और ये बड़ी है। तो ये जो छोटी वाली है, इसको तो जैसे ये जो बड़ी है, उसको तो हम क्या बोलेंगे कि बड़ी जो होती है वो स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस होता है, और छोटी जो होती है वो एक्टिव होती है और माइग्रेटरी होती है ये। ठीक है, ये तो स्टेशनरी होता है और ये माइग्रेटरी होती है। तो देखिए, दोनों तरफ एरो इसके इसकी इधर से ही होता रखा है, मतलब ये छोटी वाली ही माइग्रेटरी होती है, छोटी न्यूक्लियस। तो इसके बाद में क्या होता है कि हर कॉन्जुगेंट की जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस होती है, कौन सी वाली है माइग्रेटरी, छोटी वाली। तो जो माइग्रेटरी न्यूक्लियस होती है, माइग्रेटरी न्यूक्लियस जो है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवासी युग्मक केंद्र। तो जो हर कॉन्जुगेंट की माइग्रेटरी न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज से होकर जो इसका साथी कॉन्जुगेंट है, जैसे ये वाला है, उसके अंदर पहुंच जाती है, मतलब इसकी माइक्रो न्यूक्लियस इधर पहुंचेगी और इसकी माइक्रो न्यूक्लियस इधर पहुंच जाएगी। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर पहुंच जाती है, और उसकी जो स्टेशनरी न्यूक्लियस होती है, अब देखिए इस पैरामेशियम की स्टेशनरी न्यूक्लियस ये है और माइग्रेटरी ये है, इसकी स्टेशनरी ये है और माइग्रेटरी ये, तो इसकी माइग्रेटरी मूव करके इधर आ जाएगी और इसकी माइग्रेटरी मूव करके इधर आ जाएगी। अब दोनों के स्टेशनरी न्यूक्लियस तक ये पहुंच जाती है, ठीक है, और उससे फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बनाती है। अब ये वाली इसके साथ फ्यूज हो जाएगी और ये वाली इसके साथ फ्यूज हो जाएगी, तो इधर क्या बन गया, जाइगोट, और इधर भी क्या बन गया, जाइगोट। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के दो न्यूक्लियस के, वो क्या है, दोनों न्यूक्लियस कंप्लीटली फ्यूज होकर के जाइगोट न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस। ठीक है, अब ये दोनों पैरामीशियम जो हैं, वो जुड़े रहने के लगभग 12 to 48 आवर्स बाद में ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये देखिए, ये इधर अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। तो जब ये अलग हो जाते हैं, तो उनको एक्स कॉन्जुगेंट्स या फिर बही संयुग्मक कहते हैं। और एक्स कंजुगेंट जो होते हैं, उसमें जाइगोट न्यूक्लियस में वापस से सक्सेसिव तीन डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हर में आठ न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए, एक न्यूक्लियाई डिवाइड किया, दो बने, दो से चार बने और चार से आठ बन गए। ठीक है, तो इसमें से हमने देखा आठ न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसमें से चार मैक्रो न्यूक्लियस और चार माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। अब ये देखिए, एट डॉटर न्यूक्लियाई बने, इसमें से ये जो चार थे, ये चार तो बन गए मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, और दूसरे चार जो थे, ये क्या बन गए, माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो चार मैक्रो न्यूक्लियस बनते हैं और चार ही माइक्रो न्यूक्लियस बनते हैं। तो तीन माइक्रो न्यूक्लियस जो हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। अब ये तीन जो हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे, थ्री डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस, ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों माइक्रो न्यूक्लियस अदृश्य हो जाएंगे।
और शेष बचा हुआ जो एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, एक्स कॉन्जुगेंट के साथ में बाइनरी फिशन की तरह विभाजित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक्स कॉन्जुगेंट से दो डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। अब देखिए ये तीन तो डिसइंटीग्रेट हो गए, सिर्फ एक ही बचा है। अब इस एक का डिवीजन कब होता है, तो ये बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवाइड होगा। अब यहाँ क्या होगा, चार तो माइक्रोन्यूक्लियस हो गए और एक माइक्रोन्यूक्लियस हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है यहाँ पर, तो ये दो पैरामीशियम बनने वाले हैं। तो इधर क्या होंगे, दो माइक्रोन्यूक्लियस इधर चले जाएंगे, दो दो माइक्रोन्यूक्लियस इधर हो जाएंगे, और ये जो एक बचा है ये डिवाइड होकर के दो बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ वापस दो पैरामीशियम बनेंगे, तो एक पैरामीशियम में तो दो तो माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस चला जाएगा, और दूसरे पैरामीशियम में ये दो माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बन जाते हैं जिसमें से हर से एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। अब वापस क्या होगा, इससे वापस डिवीजन होगा, इससे दो पैरामीशियम बनेंगे और इससे दो पैरामीशियम बनेंगे। तो इसमें एक हम जानते हैं कि देखो पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या होता है, एक मैक्रो एक माइक्रो, एक मैक्रो एक माइक्रो, तो अभी तक अपने का इसका और डिवीजन होना बाकी है। तो यहाँ एक से वापस दो बनेंगे, इधर भी एक से दो बनेंगे, तो इधर देखिए एक में एक मैक्रो एक माइक्रो चला जाएगा। ये वापस क्या होता है, ये वापस डिवाइड होता है, ये डिवाइड होकर दो बनाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, दो माइक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस होंगे। तो एक मैक्रो और एक माइक्रो जो डिवाइड होकर दो बनाएगा, उसमें से एक इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा। ठीक इसी टाइप से ये माइक्रोन्यूक्लियस भी वापस डिवाइड होगा तो दो बन जाएंगे, तो एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से माइक्रोन्यूक्लियस भी एक तो इसमें रहेगा और एक दूसरे वाले में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो एक पैरामीशियम है उससे क्या बनते हैं, चार डॉटर पैरामीशियम बनते हैं। और सेम चीज यहाँ जो ये दो पैरामीशियम अलग हुए थे, तो जैसा प्रोसेस इस पैरामीशियम में चला सेम वैसा ही प्रोसेस इस पैरामीशियम में चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पैरामीशियम से कितने डॉटर पैरामीशियम बन रहे हैं, चार। ठीक है, तो इधर भी देखिए आप, पहले ये एक था, इसमें ये एक्स कंजुगेंट सेपरेट हो गया, उसमें फिर इसके माइक्रो न्यूक्लियस सॉरी जायगोट न्यूक्लियस जो इसमें डिवीजन हुआ, एक से दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने। अब आठ में से क्या हुआ कि ये आठ डॉटर न्यूक्लिय, इसमें से चार तो माइक्रो न्यूक्लियस थे और ये चार माइक्रो थे, उसमें से तीन माइक्रो डिसइंटीग्रेट हो गए, फिर इस एक ने डिवीजन किया और डिवीजन करके एक से दो बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो दो बन जाते हैं यहाँ पर, और फिर बीच में यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन होने लग जाता है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो इस ऊपर वाले पार्ट में तो दो मैक्रो और एक माइक्रो चला जाता है, नीचे वाले पार्ट में दो मैक्रो और एक माइक्रो चला जाता है। तो इस टाइप से आप देखिए दो पैरामीशियम बने जिसमें दो मैक्रो एक माइक्रो, दो मैक्रो और एक माइक्रो होते हैं। फिर ये वापस डिवाइड करेंगे, ये दो में डिवाइड होगा और ये भी दो में डिवाइड होगा। तो ये इसमें माइक्रो न्यूक्लियस फिर से डिवीजन करेगा, ये एक से दो हो जाएंगे, इधर भी एक से दो हो जाएंगे, तो अब क्या होंगे, दो मैक्रो और दो माइक्रो हो जाएंगे। तो इससे जो दो बनेंगे उसमें एक मैक्रो चला जाएगा, इधर एक माइक्रो चला जाएगा। ठीक इसी टाइप से ये भी डिवाइड होके दो बनाएगा, तो दो माइक्रो हो गए, दो माइक्रो और दो मैक्रो हो गए। तो ये जब दो पैरामीशियम बनाएगा तो एक मैक्रो एक माइक्रो, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, और एक पैरामीशियम से चार डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, और एक पूरा जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है जिसमें दो कॉन्जुगेंट आपस में जुड़ते हैं और पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर आठ पैरामीशियम बन रहे हैं दोनों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन का महत्व क्या होता है। सबसे पहली बात होती है पुनर्युग्मन या फिर रिजुविनेशन। अब अगर बाइनरी फिशन या द्विखंडन जो है वो कई जनरेशन तक कंटिन्यूअसली होता रहे तो पैरामीशियम बहुत वीक हो जाता है, और बाद में क्या होता है, डिप्रेस्ड फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी और जो सेनेसेंस या जीर्णता की अवस्था में वो प्रवेश कर जाता है, तो फिर उसके बाद में उसका गुणन नहीं हो पाता है और इसकी साइज भी छोटी हो जाती है, और अंत में ये क्या होता है, मर जाता है। तो इस प्रकार उसको नष्ट होने से बचाने के लिए कॉन्जुगेशन जो है एक अल्टरनेट होता है, कॉन्जुगेशन का आश्रय लिया जाता है पैरामीशियम के द्वारा, और यह प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पुनर्युग्मन एवं नष्ट हुई क्षमता का पुनर्संचार करता प्रतीत होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पुनर्युग्मन और साथ ही क्या कर रहा है, नष्ट हुई क्षमता का पुनर्संचार करना, मतलब रिजुविनेशन के लिए कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन या केंद्रीय पुनर्गठन। तो कॉन्जुगेशन में न्यूक्लियर जो अपेरेटस होता है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक पुनर्समायोजन होता है।
अब इसमें मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करते हुए अपनी शक्तियों को खो देता है, और कॉन्जुगेशन में पुरानी मैक्रोन्यूक्लियस का एक नई मैक्रोन्यूक्लियस के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो न्यूक्लियर रिऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो जो पुरानी मैक्रोन्यूक्लियस नई मैक्रोन्यूक्लियस के द्वारा जब प्रतिस्थापित हो जाती है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को त्वरित करने के लिए एक एनर्जी या फिर एक उत्साह या एक जीवन शक्ति मिलती है। फिर आता है हेरिडिटी वेरिएशन या पैतृक विविधता। बाइनरी फिशन के थ्रू होने वाले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनक प्राणी जो पेरेंट होते हैं उनकी जो पैतृक सामग्री होती है वो बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी जनरेशन में पहुंचती रहती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पैरामीशियम से जो संतानें बनती है वो एक जैसी ही वंशागति की बनती रहती है। कभी कभी कॉन्जुगेशन के होते रहने से जो वंशागत विविधताएं होती है, इनहेरिटेड वेरिएशन होती है, वो निश्चित हो जाती है, और कॉन्जुगेशन होने से दो क्रमों की पूर्वज परंपरा का मिश्रण ठीक द्विलैंगिक जनन की भांति होता रहता है। अब अगर हम बात करते हैं जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्जुगेशन की, कि संयुग्मन के आनुवंशिक परिणाम क्या होते हैं, तो अगर अपन इसके आनुवंशिक परिणाम की बात करें तो दोनों कॉन्जुगेंट में से यदि एक कॉन्जुगेंट जो है, जैसे हम देख रहे हैं कि दो कॉन्जुगेंट्स जुड़ते हैं इस टाइप से, एक पैरामीशियम यहाँ है और सॉरी 1 मिनट। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि कॉन्जुगेशन के अंदर दो पैरामीशियम जो है वो आपस में जुड़ते हैं, तो जैसे देखिए आप यहाँ सपोज ये दो पैरामीशियम, इसमें से अपन बात करते हैं कि कॉन्जुगेशन करने वाले दोनों कॉन्जुगेंट्स में से यदि एक कॉन्जुगेंट जो है वो ए ए है, जैसे सपोज ये कैपिटल ए और कैपिटल ए है, ठीक है, तो ये जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन है इसका, होमो डोमिनेंट जीन के लिए होमोजाइगस होता है, और दूसरा मान लो कि रेसेसिव है, ए ए है। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी फर्स्ट जनरेशन बनेगी वो फर्स्ट जनरेशन क्या होगी, हमेशा ही हेटरोजाइगस होगी, मतलब विषम युग्मजी होती है। और अगर दोनों कंजुगेंट पहले से ही हेटरोजाइगस है, सपोज अपन माने कि एक पैरामीशियम ये है एक ये है, और ये दोनों ही हेटरोजाइगस है, ओके, तो ऐसी कंडीशन में जो इनकी जो डॉटर पैरामीशियम बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, मतलब वो इस टाइप के भी हो सकते हैं और हेटरोजाइगस भी हो सकते हैं, मतलब समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेंट में कौन से जो जीन है वो 3 माइक्रोन्यूक्लियाई के नष्ट होने में लुप्त हो जाते हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि जब 4 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं तो उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो वो जो 3 डिसइंटीग्रेट हो रही है उसमें जीन कौन सा डिसअपेयर हुआ है, क्योंकि गैमेट न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन में जो मियोसिस के टाइम पर हर कॉन्जुगेंट के कैपिटल ए और स्मॉल ए में से किसी का भी डिलीशन पॉसिबल है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो यहाँ पर आज हमने ये कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।